दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ईएफटी डोंगल के बारे में कि अगर आप ईएफटी डोंगल यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करने वाले हैं या यूज़ कर रहे हैं आप उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो इसी के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मान के चलिए अगर आप ईएफटी डोंगल का लॉगिन आईडी पासवर्ड भूल गए हैं उसे आप रिसेट करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेगा इसी तरीके से जिस तरह से मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि फॉरवर्ड पर चेक लगाना है और ईमेल आईडी डालना है और कंप्लीट पे क्लिक करना है और आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी से आप जो है पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। लेकिन ये जितनी भी वीडियो यूट्यूब में डाली हुई है सारी की सारी जो है फेक है, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आपका जो ईएफटी डोंगल का आईडी पासवर्ड रिसेट नहीं होगा और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप ईएफटी डोंगल का आईडी पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ईएफटी डोंगल में जो ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया होगा पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए आपके आप जो ईमेल आईडी से रजिस्टर किए हैं ईएफटी डोंगल में वो ईमेल आईडी आपको याद होना चाहिए। और वो ईमेल आईडी आपको याद नहीं है अगर तो दिक्कत हो जाएगा रिसेट करने में। तो हो सकता है आपके पास 4 ईमेल आईडी हो, 5 ईमेल आईडी हो, आपने उनमें से कौन से ईमेल आईडी को यूज़ किया है तो उसे चेक करने के लिए आप यहाँ पे सभी ईमेल आईडी को बारी बारी से डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी ईमेल आईडी इसमें डाला और मैंने फॉरगेट पे क्लिक किया तो इनवैलिड लिखा। इसका मतलब ये साबित होता है कि ये ईमेल आईडी जो हमारा इस ईएफटी डोंगल पर रजिस्टर नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पे आपको दूसरा ईमेल आईडी डाल करके दिखाते हैं जो कि इस ईएफटी डोंगल पर रजिस्टर है। ठीक है दोस्तों, आपके पास 4 ईमेल आईडी है, उनमें से कौन सी ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया ये पता कैसे चलेगा? तो मान के चलिए अगर आपका सही ईमेल आईडी रहेगा तो और जब आप फॉरगेट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको लिखेगा फॉरगेट पासवर्ड डन। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिख रहा है फॉरगेट पासवर्ड डन, इससे ये साबित होता है कि यही ईमेल आईडी हमारे इस ईएफटी डोंगल पर रजिस्टर है। लेकिन इस तरीके से आप जो है पासवर्ड को रिसेट नहीं कर सकते क्योंकि ये तरीका यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है और ये तरीका जो बिल्कुल गलत है, फेक है। इस तरीके से आप पासवर्ड ईएफटी डोंगल का रिसेट नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों आज हम आपको बिल्कुल हकीकत बात बताने वाले हैं कि किस तरह से आप जो है ईएफटी डोंगल का जो है यूजर आईडी पासवर्ड अगर लॉगिन आप भूल गए हैं, लॉगिन पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं उसे किस तरह से आप जो है रिसेट कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों आपको यहाँ पे गूगल में टाइप करना है www.xmannan24.com यानी कि हमारी वेबसाइट। ठीक है, आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है ईएफटी डोंगल को रिसेट करने के लिए। तो चलिए पहले हम आपको टाइप करके यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि www.exmannan24.com ये आपको टाइप करना है। उसके बाद हमारा साइट जो है ओपन हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहें, बाय करना चाहें, ठीक है, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, एक्टिवेशन कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को आप जो है यहाँ से इस वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिवेशन का है ऑप्शन है, यहाँ पे सर्वर क्रेडिट का ऑप्शन है और बाकी ईएफटी डोंगल को रिसेट करने के लिए आपको यहाँ फ्री सॉफ्टवेयर पेज पे क्लिक करना होगा। और जैसे आप सॉफ्टवेयर पेज पे क्लिक करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी इमेज लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपके काम की जो भी सॉफ्टवेयर होगी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉरगेट ईएफटी डोंगल आईडी पासवर्ड। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी कि ईएफटी डोंगल को आईडी पासवर्ड किस तरह से आप रिसेट कर सकते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे देख लें अगर आपके काम की कोई सॉफ्टवेयर है यहाँ पे इस वेबसाइट पर तो आप यहाँ से क्लिक करके वन क्लिक में आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको आप दिखाने वाले हैं कि आप ईएफटी डोंगल का आईडी पासवर्ड को किस तरह से रिसेट करते हैं। यहाँ पे आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा, फॉरगॉट ईएफटी आईडी पासवर्ड। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली ईएफटी टीम का जो ये फेसबुक पेज है ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको ईएफटी डोंगल का आईडी पासवर्ड रिसेट करने के लिए आपको ईएफटी के टीम से जो है कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, आपको यहाँ पे दिखा दूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ईएफटी टीम से कांटेक्ट किया था। मैंने यहाँ पे लिखा है इसको कि हाय ब्रदर, लॉस्ट माय ईएफटी यूजर आईडी एंड पासवर्ड, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, इन्होंने मुझे रिप्लाई किया है सीरियल एंड ईमेल प्लीज। ठीक है, तो बाद में मैंने इसे जो है अपना ईएफटी डोंगल का सीरियल नंबर इसे दिया और अपना ईमेल आईडी दिया और वो ईमेल आईडी मैंने इसे दिया जिस ईमेल आईडी से ईएफटी डोंगल रजिस्टर था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये ईएफटी डोंगल का जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ईएफटी डोंगल श्री गणेश टेलीकॉम के नाम से है। ठीक है, बैंगलोर का है ये और ये 3-4 महीने पहले इस कस्टमर ने मुझसे ईएफटी डोंगल लिया था और इसका आईडी पासवर्ड ये भूल गया था और ये काफी दिनों से जो रिसेट नहीं कर पा रहा था तो इन्होंने जो मुझे वापस भेजवा दिया। ठीक है, और उसी का ये डोंगल है और जिसे मैं ये रिसेट कर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इसे कॉन्टेक्ट किया, उसके बाद मैंने सीरियल नंबर दिया, उसके बाद इन्होंने काफी देर तक मुझे रिप्लाई नहीं किया ईएफटी टीम ने। तो मैंने इसे कहा ब्रदर प्लीज रिप्लाई, उसके बाद इन्होंने मुझे रिप्लाई किया ओके होल्ड एंड प्लेस। ठीक है, उसके बाद कुछ देर बाद जो है इन्होंने मुझे यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया। ठीक है,
तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ देर बाद इन्होंने मुझे यूजर आईडी पासवर्ड दिया और उस यूजर आईडी पासवर्ड से अभी हम आपको लॉगिन करके दिखाएंगे उस ईएफटी डोंगल में, जो कि 3 महीने से बेकार था, किसी काम का नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप भी जो है ईएफटी टीम से जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पर, और उसके बाद अपना जो है ईमेल आईडी दे करके, अपना ईएफटी डोंगल का सीरियल नंबर दे करके, ठीक है, आप इनसे जो है अपना आईडी पासवर्ड दोबारा ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ, चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जो फेसबुक पे हमें जो है पहले हमें क्या लगा था कि कोई फेक तो नहीं है ये, कोई मतलब कोई जो हैकर तो नहीं है ये जो हमें फेसबुक पे कॉन्टेक्ट हो रहा है। ठीक है, तब बाद में जब इन्होंने मुझे आईडी पासवर्ड दिया, उसे लॉगिन किया, तब जाकर के मुझे तसल्ली हुआ कि वाकई में ये ईएफटी टीम है। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने जो आईडी पासवर्ड हमें फेसबुक पर यहाँ पे दिया है, अभी हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं इस आईडी पासवर्ड से ईएफटी डोंगल में लॉगिन करके। चलिए हम आपको दिखाते हैं लॉगिन करके ईएफटी डोंगल में, जो आईडी पासवर्ड हमें फेसबुक पे मिला है उस आईडी पासवर्ड से हम इस ईएफटी डोंगल में लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। तो थोड़ा सा आप देख लें वीडियो को। तो चलिए दोस्तों हम आप ईएफटी डोंगल में लॉगिन करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो चलिए हमने यहाँ पे ईएफटी पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे जो फेसबुक पे जो हमको चैटिंग के दौरान जो हमको आईडी मिला था, वो आईडी हम यहाँ पे कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो पासवर्ड हमें फेसबुक पर मिला है, वो पासवर्ड को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ये पासवर्ड को हमने कॉपी किया यहाँ पे, और इस पासवर्ड को हम यहाँ पे ईएफटी में जो है यहाँ पे डालेंगे पासवर्ड की जगह पे। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आईडी पासवर्ड जो हमें फेसबुक पर मिला था ईएफटी टीम के द्वारा, तो उसे हमने यहाँ पे डाल दिया है। हमने चेक अकाउंट पे क्लिक किया, उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। दोस्तों अभी आप देख सक्सेसफुली जो है लॉगिन इस ईएफटी डोंगल में हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी जो है अपने ईएफटी डोंगल का आईडी पासवर्ड जो है ईएफटी टीम द्वारा जो है आप रिसेट करवा सकते हैं, आप उनसे जो फेसबुक पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।